19 जुलाई 2024 के मुख्य समाचार। यूके में महिला सांसदों की भागीदारी। हाल ही में यूके में हुए आम चुनावों में हाउस ऑफ कॉमन में महिलाओं की भागीदारी 40% हो गई है। यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाता है। भारत की संसद में महिलाओं की कम भागीदारी। भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक औसत 25% से काफी नीचे है। ये स्थिति भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की कमी को दिखाती है। डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट 2023। हाल ही में उद्योग ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2023 का स्वागत किया है, लेकिन बच्चों के डेटा के लिए माता पिता की सहमति की जरूरत ने उद्योग और सरकार में मतभेद पैदा कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा वस्तुओं की 5वीं स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना, आयात कम करना और घरेलू रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। 2024 में आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट को भारत में स्थायी खेती के प्रयासों के लिए गल्बेनकियन प्राइज मिला। आइवरी कोस्ट अफ्रीका में यूएन वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला 10वां देश बना। ओपनआई ने GPT-4o मिनी नामक नया AI मॉडल जारी किया है, जो अधिक लोगों के लिए सुलभ और कम कीमत पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश को PMSVA निधि योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया? ए वियतनाम, बी इंडोनेशिया, सी मॉरिशस। धन्यवाद।